आज के 30 नवंबर के ईश्वर वरदान में आप सबका स्वागत है। परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम पवित्रता, जो कि परमात्मा की ही देन है, क्योंकि परमात्मा ही, या कहें खुदा या कहें ईश्वर ही पवित्रता का सागर है। अगर आपके मन में किसी भी और धर्म वाले के प्रति घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, या आप उनको नीचे देखते हैं, तो परमात्मा की नज़र में भी आप नीचे हो जाते हैं। पहले दूसरे को तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिस दृष्टि से मैं देखता हूँ, मेरा दृष्टिकोण, मेरा देखने का नजरिया हर आत्मा के प्रति, मैं शरीर को नहीं देखता हूँ, तुमने क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया है, तुमने पगड़ी पहनी है, कूफी लगाई है, या क्रॉस लगाया है कि नहीं लगाया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अंदर वो कैसी है, वो सबसे पहले परमात्मा झांक करके देखते हैं। बाहर की चीज़ें तो ढोंग की भी हो सकती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सच्चा रिलीजन फॉलो करना और झूठा रिलीजन फॉलो करना। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप झूठे क्रिश्चियन हुए या सच्चे क्रिश्चियन हुए, अगर आप सिख हैं तो आप सच्चे सिख या झूठे सिख हुए, या अगर आप हिंदू हैं तो सच्चे हिंदू या झूठे हिंदू। इन सब टाइटल्स को हटा करके अगर आपके अंदर प्रेम है, शांति है, पवित्रता है, खुशी है, आनंद है, शक्ति है और सत्य ज्ञान आत्मिक दृष्टिकोण है, तो आप रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं। फिर चाहे आपका टाइटल कोई भी हो, क्रिश्चियन का हो या हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, क्योंकि परमात्मा का जो धर्म है वही हमारा धर्म है, और सबसे पहले परमात्मा का धर्म है पवित्रता। इसलिए आज परमात्मा कहते हैं कि हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कार होने चाहिए। ये संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार जो हैं, प्योरिटी के संस्कार हैं, यही पूरी दुनिया को पवित्र बनाएंगे। मतलब कि एक सच्चा युग आगे लेके आएंगे, जो कहते हैं सत्ययुग। तो देखें परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। श्रेष्ठ संस्कारों, संस्कार मतलब आदतों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अब धारण क्या करना है? अगर हमने अपने धर्म का चोला धारण कर लिया, अगर गेरुआ वस्त्र पहन लिया, ब्राह्मण है तो, अगर हमने पास्टर हैं या फादर हैं, अगर हमने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, या अगर हम मौलवी हैं तो अगर मौलवियों के हमने ड्रेस पहन ली, या कोई भी गेरुआ वस्त्र पहन लिया हमने, वो हमें धार्मिक 100% नहीं बना सकता जब तक अंदर का वस्त्र हमने जो धारण किया है वो परमात्मा के साथ मिलता हुआ हो, वो डिवाइन हो, पवित्र हो, तब जाकर के वो सारे वस्त्र पहनने का कोई फायदा है। नहीं तो आज कल तो आज की दुनिया में साधारण वस्त्र पहनने वाले भी बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो कि पवित्र मन रखती हैं, एकदम दिव्यता में रहती हैं, तो वो और धार्मिक हो गए वस्त्र पहनने वालों से, धार्मिक वस्त्र पहनने वालों से। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। परमात्मा चाहते हैं कि हर आत्मा आस्ते आस्ते अपने ओरिजिनल स्वरूप प्योरिटी में आ जाए, उसके अंदर घृणा, ईर्ष्या, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, ये सारी चीज़ें कम होते हैं, तब जा करके वो आत्मा अपने 100% एफिशिएंसी में काम कर रही होगी। एक राज्य, एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। एक राज्य, अपने ऊपर राज्य करना, सारी आत्माओं की सोच एक जैसी हो, ये नहीं कि कुछ भ्रष्टाचारी हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ अपने ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, ये नहीं, मिक्स नहीं हो सकता। परमात्मा कहते हैं नई दुनिया बनने के लिए हर कोई, जो आत्मा उसके अंदर प्रवेश करेंगी वो हर आत्मा ऑनेस्ट, पवित्र, ज्ञान स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में, खुशनुमा, संतुष्ट, ऐसे गुणों के साथ में प्रवेश कर पाएगी। यही पासपोर्ट है, ये दिव्य गुण पासपोर्ट है। फिर परमात्मा कहते हैं कि उसके अंदर एक राज्य होगा, एक ही धर्म होगा। धर्म मतलब ये नहीं कि कुछ आज लोग कहते हैं कि नहीं नहीं क्रिश्चियंस जाएंगे स्वर्ग में, नहीं नहीं हिंदूज जाएंगे, नहीं नहीं मुस्लिम्स ही जाएंगे स्वर्ग में, हम ही जाएंगे। परमात्मा कहते हैं तो आप नीचे लड़ते रहो, लेकिन जिसके अंदर दिव्यता है, जिसके अंदर भाईचारा है, जिसके अंदर पवित्रता है, जिसके अंदर सादगी है, जिसके अंदर खुशनुमा जीवन जीने की कला है, सबको सुख देने की कला है, वो आत्मा ही प्रवेश करेगी। बाकी फिर सब लड़ते रहे, अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कह के भी लड़ते रहे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो झूठे धर्म की झूठी लड़ाइयाँ हो गई हैं जो हमने धारण किए हुए हैं। लेकिन सच्चा धर्म क्या है? जो परमात्मा का धर्म है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी। फिर परमात्मा कहते हैं, स्वराज्य का धर्म व धारणा है मन, वचन, कर्म। स्वराज्य, अगर किसी का स्व के ऊपर राज्य है, स्व के ऊपर राज्य मतलब अपने मन के ऊपर कंट्रोल है, तो उसका धर्म व धारणा क्या है?
वो कभी मन वचन कर्म या संबंध संपर्क में किसी के भी चाहे किसी भी प्रकार की आत्मा में आते हुए में सब प्रकार की पवित्रता रखेगी। उसको कोई भेदभाव नहीं दिखेगा, उसको रंग रूप का चमड़ी का कोई भेदभाव नहीं होगा, अमीरी गरीबी का भी कोई भेदभाव नहीं होगा। वो हर एक को सम दृष्टि से आत्मिक और परमात्मिक दृष्टि से भापेगी उस आत्मा को, और उसका हर एक के प्रति सम दृष्टि होने के कारण उसका मन शीतल और शांत रहेगा, और जिसका मन शीतल और शांत रहेगा परमात्मा की शक्ति उसके साथ रहेगी। फिर परमात्मा कहते हैं संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता, संकल्प में सोच में और ड्रीम्स में रात को सोते हुए भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं आएगी, काम या क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार नहीं होगा, अर्थात दूसरा धर्म ना हो। एक धर्म हो गया रावण का, शैतान का धर्म, क्रोध आया, अहंकार आया, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, बदले लेने की भावना आ गई, सपनों में भी आ रही है आपको, संकल्पों में भी आ रही है, तो आप रावण के धर्म के हो गए, परमात्मा कहते हैं। और अगर आपके मन के अंदर पवित्रता है तो आप मेरे धर्म को फॉलो कर रहे हो। फिर परमात्मा कहते हैं जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प, जो संकल्प विकारों से भरा हुआ संकल्प है अहंकार क्रोध, वो विकल्प हुआ। आप एक मिनट तक किसी के अगेंस्ट सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, उसकी गलतियां देख रहे हैं, उसके नुक्स निकाल रहे हैं, तो आप विकल्प और आप विकारी बन गए परमात्मा के अनुसार, और आपने रावण का या शैतान का धर्म अपना लिया है उस सेकंड ही, उस एक मिनट तक, तो आप परमात्मा से दूर हो गए और आप धार्मिक नहीं रहे। ये इतनी गहरी डेफिनेशन है। फिर परमात्मा कहते हैं अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता, उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है, जिन्होंने धर्म को धारण किया है। और परमात्मा का धर्म है पवित्रता, उसको धारण करना, आपने समझ लिया होगा का मतलब क्या है। और ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रैक्टिसेस ब्रह्म कुमारी इसमें दिखाई सिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं। और फिर आस्ते आस्ते हर साल हमारे अंदर हर महीने कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस आते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं पवित्रता की तरफ। आपको अगर जानना है आप भी ज्वाइन करें ब्रह्म कुमारी सेंटर और इस ज्ञान को निःशुल्क धारण करें। इसके साथ ओम शांति।